बोलिए चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय। मानतुंगाचार्य स्वामी की जय। आचार्य गुरुवर रत्न तेमंडी संत शिरोमणि विद्यासागर जी महाराज की जय। समस्त आरिका माताओं की जय जय जय। हमारे वाह क्या बात है सेशन के सभी ऑर्गेनाइजर्स तथा सभी जूम के माध्यम से जुड़े हुए पार्टिसिपेंट जो जुड़े हैं, जुड़ रहे हैं, जुड़ेंगे सभी साधकगण आईवीएस हीलिंग सेंटर के माध्यम से, आईवीएस हीलिंग सेंटर फेसबुक के माध्यम से जुड़े हुए सभी हमारे साधकगण सभी का आज का सेशन वह क्या बात है मैं बहुत बहुत स्वागत तथा सभी को जय जिने जय जिने जय जिने। सुरक्षा चक्र की ओर चलेंगे हम। प्रतिदिन आराम के माध्यम से अपने आप को सुरक्षित कर रहे हैं। आराम से हम सुरक्षा चक्र की कैप, आराम की एक कैप बनेंगे जिससे हम अपने आप को सुरक्षित महसूस करेंगे। दोनों हाथ सामने, ये हमारे सिंपल हैंड्स हैं, हमें इसे पावर हैंड्स में बदलना है। सुरक्षित करने के लिए अपने आप को बोलिए पंच परमेश्वरी भगवान की जय जय जय। कषायों का शमन, क्रोधम 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 जी, नष्टम 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 जी, मानम 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 जी, नष्टम 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 जी, माया 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 जी, नष्टम 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 जी, लोभम 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 जी, नष्टम 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 जी। चौबीस तीर्थंकर विराजमान करेंगे। ऋषभ अजित संभव अभिनंदन, सुमति पद्म सुपाश जिन राय, चंद्र भूप शीतल श्रेयांश जिन, वासु पूज्य पूजित सुर राय, विमल अनंत धर्म जस उज्ज्वल, शांति कुंत अरु मल्लि मनाय, मुनि सुबत नमी नेमि पार्श प्रभु, वर्धमान पद पुष्प चढ़ाए, वर्धमान पद पुष्प चढ़ाए। आपके हाथों में चौबीस तीर्थंकर विराजमान हो चुके। आपके हाथ भारी लग रहे होंगे। जहां चौबीस तीर्थंकर विराजमान है वो हाथ कैसे हो सकते हैं, विचार करिए, सोचिए। इन्हीं पावर हैंड से अपने हृदय स्थान पर आठ पंखुड़ियों का कमल विराजमान करिए। ठीक उसके मध्य में जो कणिका है उस पर अरहम विराजमान करेंगे आप, और वहां से अ की एक रेप पूर्व दिशा में हवा में निकल रही है, हवा में आप एक अ बना लेंगे। वहीं से एक रेप, र की रेप दक्षिण दिशा में र को बना लेंगे हवा में। यही हृदय स्थान से एक ह की रेप हम पश्चिम दिशा में, यही हृदय स्थान से उस कणिका से एक कणिका बाहर निकल रही है उत्तर दिशा की ओर, जहां हम माँ विराजमान करेंगे। चारों ही दिशा में चार बीज अक्षर, उसको जोड़ने वाली चार आराधना, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चैतन्य, सम्यक तप, चारों ही बीज अक्षर जुड़ चुके। एक कैप तैयार हो गई। उस कैप को आपको अपने शीश पर धारण करना है। अरहम की कैप आपने पहन ली है और अब 9 बार अरहम ध्वनि का उच्चारण आपको करना है। अरहम 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 अरहम
अर्हं 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 सम्यक् दर्शनाय नमः, सम्यक् ज्ञानाय नमः, सम्यक् चारित्राय नमो नमः। नौ लेयर से आप सुरक्षित हो रहे हैं। परम शब्द को नमन है, पंच परमेष्टि का ध्यान, सिद्ध चक्र का बीज है, बारंबार प्रणाम। सिद्ध चक्र का बीज है, बारंबार प्रणाम। बोलिए अरिहंत प्रभु की जय। जय नौ लेयर के माध्यम से हम सुरक्षित हो चुके हैं 24 घंटे के लिए। सभी लोग हमेशा स्वस्थ रहे, मस्त रहे, मोक्ष मार्ग में प्रशस्त रहे, इसी भाव के साथ बोलिए अरिहंत प्रभु की जय। जय और अब हम चलते हैं हमारे त्रिवेणी संगम की ओर, जिसमें हम कल्याण मंदिर स्तोत्र की वाचना कर रहे हैं, जिसमें हम अभी हमने ये डिसाइड किया है श्लोक की सिर्फ वाचना करेंगे। रिद्धि मंत्र को अभी हम रोक रहे हैं। रिद्धि मंत्र को आगे अच्छे से अर्थ के साथ और उसमें कुछ सुधार करके हमें लेना है। हमारा मंच वितरकता का मंच है, उसमें बहुत सारी चीजें आ जाती है, चामुन राय आदि, तो अभी हमें उसको सुधारना होगा। इसलिए हम अभी रिद्धि मंत्र का रोक दे रहे हैं। अभी हम सिर्फ श्लोक की वांछना करेंगे। अक्षय गांधी हमारे साथ, अक्षय गांधी जी जो कि एक डॉक्टर और इतने धर्म में रुचि, ये हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है। हाँ अक्षय जी वेलकम, आपका बहुत स्वागत है वहां क्या बात है में, और आप कल्याण मंदिर स्तोत्र की वाचना करेंगे। सभी को जय जिनेन्द्र। ओम श्री पार्श्वनाथ भगवान आपकी आज्ञा। मैं पीडीएफ शेयर करता हूँ। कल्याण करता शिव सौख्य भोक्ता, मुक्ते सुदाता परमार्थ युक्ता, यो वीत राग गत रोष दोष, तं पार्श्वनाथं निकटं करोमि, तं पार्श्वनाथं निकटं करोमि। कल्याण मंदिर मुदार मवद्य भेदी, पीता भय प्रदमनिंदितमंग्रि पद्मं, संसार सागर निमज्जन शेष जंतु, भूतायमान मभिनम्य जिनेश्वरस्य। अब हम कल का श्लोक लेंगे, श्लोक क्रमांक 15। ध्यानाजिनेश भवतो भविनः क्षणेन, देहं विहाय परमात्मदशां व्रजन्ति, तीव्रानलादुपलभावमपास्य लोके,
चामी करमचिरादिवधातु भेदः। अब आज का श्लोक, श्लोक क्रमांक 16। अन्तः सदैव जिनयस्य विभाव्यसे त्वम् भव्यै कथं तदपि नाशयसे शरीरम् एतत् स्वरूपमथ मध्य विवर्तिनो हि यद्विग्रहं प्रशमयन्ति महानुभावः। आप सभी मेरे साथ बोलिए, अन्तः सदैव जिनयस्य विभाव्यसे त्वम् भव्यै कथं तदपि नाशयसे शरीरम् एतत् स्वरूपमथ मध्य विवर्तिनो हि यद्विग्रहं प्रशमयन्ति महानुभावः। अन्तः सदैव जिनयस्य विभाव्यसे त्वम् भव्यै कथं तदपि नाशयसे शरीरम् एतत् स्वरूपमथ मध्य विवर्तिनो हि यद्विग्रहं प्रशमयन्ति महानुभावः। सभी को प्रणाम। आप सभी मुझे जय जिनेन्द्र। बहुत सुंदर, थैंक यू। बहुत अच्छी आवाज में हमने कल्याण मंदिर स्तोत्र सुना। पढ़ने की कोशिश आप लोग करिए, पीडीएफ आपके पास है, आप लोग उसे रोज 2-3-4 बार दिखाए में रिपीट करिए तो आपके उच्चारण शुद्ध उच्चारण हो जाएंगे। आप भक्तांबर कल्याण मंदिर तत्वार सूत्र 3-3 महान स्तोत्र की आराधना प्रतिदिन कर रहे हैं। भावी भव्य मोक्षगामी जीव है जिनके सुबह नींद खराब करके 3 महान स्तोत्र की वाचना करने के भाव हो रहे हैं। ऐसे भाव भव्य भावों ही हो सकते हैं। ऐसे सभी भव्य आत्मा जो मोक्ष की ओर जाने वाली है, आज हमारा 20 नंबर का श्लोक भक्तांबर भक्तामर के 25 नंबर। हम 19 ध्यान कर चुके, स्वप्न सी बात लगती है। हर एक श्लोक पे हम प्रतिदिन ध्यान कर रहे हैं, उसके सिंबल की एनर्जी हम प्रतिदिन ले रहे हैं। आज हम 20 नंबर श्लोक की ओर चल रहे हैं, आपके सामने शेयर स्क्रीन करेंगे। बोलिए देवादिदेव आदिनाथ भगवान की जय। पढ़ लेंगे हम। ज्ञानम यथा तव विभाति कृतावकाशम नैवं तथा हरिहरादिषु नायकेषु तेजस्फुरन्मणिषु याति यथा महत्वम्
नैवं तु काच सकले किरणाकुले आचार्य मानतुंग स्वामी जी की भक्ति दिन प्रतिदिन बढ़ते चली जा रही है। भक्तांबर महास्तोत्र के माध्यम से जो हमारी चर्चा चल रही है, पूर्ण समर्पण की चर्चा चल रही है, भक्त ने अपने आराध्य के चरणों में अपने आप को पूर्ण समर्पित कर दिया है और प्रार्थना कर रहा है, समर्पित करने के बाद यह जो बीज अपनी शक्ति अनुसार पौधे के रूप को प्राप्त हो चुका है। कल हमने ध्यान के माध्यम से बीजारोपण किया था, सम्यक का बीज लगाया था, सम्यक ज्ञान का सिंचन करके सम्यक चारित्र की लहलहाट रूपी पौधे को हमने कल देखा था। हमने शक्ति अनुसार पौधे के रूप को प्राप्त हम हो चुके, उसमें दाना भी आ गया, दाना भी पक गया, यथाशक्ति पूर्ण साधना अपने कर ली। अब इस फसल से दाने को पृथक करके सुरक्षित स्थान सिद्धालय तक पहुंचाना अपना कार्य, पहुंचाने का अपना कार्य करो। कल हमने लहलहाती हुई फसल देखे थे, अब उसे सुरक्षित स्थान सिद्धालय तक हमें उसे पहुंचाना है। आज हम उसी का ध्यान करेंगे कि वो किस प्रकार से अष्टकर्म नष्ट कर सिद्धालय तक पहुंचता है, वो ही आज हम देखेंगे। क्योंकि पकने के पश्चात फसल खेत में छोड़ दी जाएंगी तो वो राग देश ईर्ष्या वैमनस्यता के कीड़े चूहे आदि मिलकर उस फसल को नष्ट कर देंगे। आज का काव्य पुनः एक नया आयाम, नया रस, नया आनंद लेकर आ रहा है। आचार्य भगवान मानतुंग स्वामी बड़े भक्ति भाव से इस महास्तोत्र का सृजन कर रहे हैं, सृजन किया है। प्रत्येक काव्य में भक्ति का नया नया पुट डालकर उन्हें और अधिक अधिक रसमय और आकर्षित बना रहे हैं, आकर्षित बना दिया है। आचार्य महाराज ने अपनी साधना को, लक्ष्य को, अर्थात केवल ज्ञान को प्राप्त करने की तीव्र उत्कंठा बारंबार कि मुझे केवल ज्ञान प्राप्त हो की भावना लेकर उस केवल ज्ञान की भक्ति कर रहे हैं जिसे हमें प्राप्त करना रहता है, उसी की हम भक्ति करते हैं। हमें डॉक्टर बनना है, डॉक्टर के प्रति रिस्पेक्ट आता है। इंजीनियर बनना है, इंजीनियर के प्रति रिस्पेक्ट आता है। ऐसे ही मानतुंग आचार्य जी को केवल ज्ञान की प्राप्ति करना है, वो बार बार केवल ज्ञान की ही इसमें चर्चा कर रहे हैं, केवल ज्ञान की ही महिमा की गुणगान कर रहे हैं। केवल ज्ञान की महिमा का गुणगान करते हुए उन्होंने आज कह दिया, ज्ञानम यथा तव विभाति कृतांकांशम नैवम तथा हरिहरादिषु नायकेषु। क्या कह दिया, हे तेजो पुंज, लोक अलोक को जानने वाला निर्मल ज्ञान जिस तरह आप में शोभा को प्राप्त होता है, इस तरह लौकिक देवों में नहीं होता। देखिए आप ये पिक्चर में लौकिक देव ब्रह्मा विष्णु महेश भी देख रहे हैं, मानतुंग जी यहाँ खड़े हैं, प्रभु के सामने हाथ जोड़कर अपने आप को समर्पित कर रहे हैं, कह रहे हैं कि आप में जो ज्ञान है, जिस तरह का ज्ञान आप में है, उस तरह का ज्ञान लौकिक देवों में नहीं है, ब्रह्मा विष्णु महेश आदि में। क्यों? क्योंकि जो प्रभु का ज्ञान है वो तीन लोक को युगपत एक साथ जान सकता है, जान रहा है। सारे संसार के चराचर पदार्थ एक समय में एक साथ प्रभु के ज्ञान में झलक रहे हैं। ऐसा जो केवल ज्ञान रूपी दीपक है, वो केवल ज्ञान अन्य किसी देवता में हो नहीं सकता। आचार्य मानतुंग जी ने साफ दंगे की चोट पे कह दिया, निर्भय होकर, कोई भय नहीं कहने के लिए दंगे की चोट पे कह रहे हैं
कि स्वपर प्रकाशक अखंड छाई ज्ञान की निर्मल ज्योति जिस प्रकार आप में सुशोभित है वैसा लौकिक ज्ञान अन्य देवों में नहीं है। सच्ची तो कह दिया, इसमें गलत क्या है भाई? अरे भाई, जो महारत्नों में चमक है, हीरा पन्ना डायमंड में, वो क्या कांच के टुकड़ों में हो सकती है? महारत्न जैसा तेज जो होता है क्या वैसे कांच के टुकड़ों में हो सकता है? कदापि नहीं हो सकता। कांच का टुकड़ा सूर्य की तेज किरणों को ग्रहण भी कर ले, उसके ऊपर कितने भी हेलोजन लगा दो, ऊपर से सूर्य का प्रकाश भी आप दे दो, तो भी वह कांच के जो टुकड़े ये आप देख रहे हैं, ये रत्न के समान चमकने वाले नहीं है। रत्नों की अपनी चमक अलग होती है। इसमें मानतुंग जी ने कांच के टुकड़े किसको कह दिया? कु गुरु कु देव कु धर्म से पोसे चिर दर्शन मोए। कु गुरु कु देव कु धर्म से कांच के टुकड़े की उपमा दे दी है कि वो कांच के टुकड़े के समान है, कितना भी ऊपर से प्रकाश डालोगे तो वो प्रकाश उनमें नहीं आ सकता जो कि रत्नों में है, तथापि नहीं होता। तेज किरणें ग्रहण करने पर भी वैसी चकाचौंध नहीं आ सकती जैसी सामान्य रूप से रखे हुए मुक्तादिक में होती है। मुक्तादिक आप देख रहे हो, इसमें ध्यान रखना, पाषाण सभी पृथ्वी से ही निकलते हैं, लेकिन हर पाषाण में सोना बनने की शक्ति नहीं होती, वो उपादान शक्ति नहीं होती। कुछ पाषाण ही ऐसे रहते हैं जिनको तरासने पर सोना प्रकट होता है, और लेकिन वो भी कैसे, उसे अग्नि में तपना पड़ता है, 16 ताव उसमें देना पड़ता है, खूब तपाना पड़ता है, तब कहीं जाके वह स्वर्णपणा को प्रकट होता है। समझ गए ना? स्वर्ण प्रगट को पर स्वर्ण पने को प्रगट करने के लिए तपना पड़ेगा। ऐसे ही हमारे शरीर को तपना पड़ेगा जब आत्म रूपी स्वर्ण हमें प्राप्त होगा, और आज हम तपेंगे, ध्यान के माध्यम से हम शरीर को तपाएंगे, क्योंकि ये पुद्गल की प्रीति इतनी आसानी से नहीं जाती। अनादि काल से जो मोहिनी कर्म ने हमारे ज्ञान को ढांक रखा है, वो इतनी आसानी से नहीं जाता है। जब आपके भावों में विशुद्धि 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 का सेना तैयार हो जाएंगी, तो वो मोह रूपी सेना अपनी सेना को लेके पलायन हो जाएगा, यानी भाग जाएगा। हमें उसे भगाना है, लेकिन वो अपने आप भागता है। कब? जब हमारे स्वरूप की प्राप्ति हमें होती, हमारे भावों में शुद्धोपयोग की ओर हमारे भाव जा रहे रहते, हमारे में विशुद्धि आती है जैसे जैसे, तो वो मोहिनी कर्म जो अनादि काल से हमें बांधे रखा है, वो भाग जाता है, अपनी सेना को लेके भाग जाता है। वो सारे अस्त्र शस्त्र जो है उसके मोह राग देश रूपी कषाय रूपी अस्त्र शस्त्र वो पूरे नीचे डाल देता है, और मोहिनी करण ज्ञाना वरण दर्शना वरण अंतराय को लेके पलायन हो जाता है अपनी सेना के साथ। किट्टी कालीमा जो है, ये इसको कालीमा कही गई है, ये संसार भी जो है काजल की कोठली कहा गया है इसी को भी, पर उसमें उपादान शक्ति जरूरी है। उसमें यदि वो शक्ति है तो उसमें केवल ज्ञान रूपी ज्ञान का प्रकाश अवश्य ही होगा। अनंत द्रव्य को प्रकाशित करने वाले ज्ञान को प्रकट करने की योग्यता कब आती है? जब अंतरंग में सम्यक्तों का बीज अंकुरित होता है, जो हमने कल किया था,
एक भजन हमेशा मैं बोलती हूँ, अपने हृदय रूपी भूमि पर सम्यक्त का बीज लगाना है आपको। समकेत रूपी बीज लगाले धर्मामृत से सींच सही, जिस दिन निकलेंगे वे अंकुर तेरी मेहनत सफल हुई। कल उसमें अंकुर निकले, धीरे से उसकी तना आई, फिर पौधे बने, और जो लहलहा रहा था हमारा ज्ञान, उसमें हम कितने आनंदित हो रहे थे। सम्यक का कल बीज डाला, सम्यक ज्ञान का सिंचन किया, धर्मामृत का सिंचन किया, उसमें फल लग गए मोक्ष के। अब वो फल को अब हमें सुरक्षित पहुंचाना है अपनी जगह पे। आज शुद्ध ज्ञान के उद्घाटक की भूमिका बनना प्रारंभ हो चुकी थी कल हमारी, आज हमें सबसे प्रथम समझना है कि ज्ञान है क्या, जिसे हमें अपने सुरक्षित स्थान पर पहुंचाना है। पिछले कई काव्यों में ज्ञान की चर्चा हुई है, ज्ञान को जानना आवश्यक है। जिसकी आज हमें प्राप्ति करना है वो चीज है क्या, उसे जानना भी जरूरी है। तो जीव का एक विशेष जो स्वभाव है, ज्ञान जो है जीव का एक विशेष स्वभाव है, एक गुण है, एक स्वभाव है ने, मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूं, मैं ज्ञानानंद स्वभावी, मैं कैसा हूं, मेरा स्वभाव गुण ज्ञानानंद है। पूज्यपाद स्वामी जी ने सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथ में बहुत अच्छा कहा है, जानाति ज्ञायते नेण ज्ञाप्ति मात्रम वा ज्ञानम, जो जानता है वह ज्ञान है, जिसके द्वारा जाना जाए वह ज्ञान है, और जानना मात्र ज्ञान है, यानी ज्ञान आत्मा में अभिन्न है, आत्मा में अभिन्न है। एक बहुत अच्छा भजन भी आता है ज्ञान के ऊपर, आपने भी मेरे मुझसे पहले भी सुना होगा। ज्ञान में बस ज्ञान है, ज्ञेय भी तो ज्ञान है, ज्ञेय ज्ञायक ज्ञान का मात्र शब्दों का खेल है, व्यर्थ ही तू भ्रम करे स्वयं ही बस तू रमे, तुझ बढ़ कर को ज्ञान में आया प्रभु, ज्ञान में ही दिख रहा, ज्ञान में आया प्रभु, ज्ञान में ही दिख रहा, और ज्ञान में बस ज्ञान है, और ज्ञेय भी तो ज्ञान है, और ये सारे शब्दों के खेल है। मात्र एक ज्ञान को पकड़ लीजिए, केवल ज्ञान को, जो मेरे आत्मा का स्वाभाविक गुण है। हम यहाँ कह रहे हैं कि जानना मात्र ज्ञान है, यानी ज्ञान आत्मा से अभिन्न है, भिन्न नहीं है। ज्ञान गुण है, आत्मा गुणी है। गुण और गुणी की अपेक्षा भले ही भेद हो जाए, लेकिन द्रव्य क्षेत्र काल भाव की अपेक्षा दोनों में, यानी गुण और गणी गुणी में भेद नहीं है। इसलिए आत्मा क्या है, आत्मा ज्ञानमय है। हम कहते आत्मा अनंत गुणों का पिंड, अनंत गुणों का पिंड, अनंत गुणों का पिंड है, तो वो कैसे है, और ज्ञान क्या है, जो जानता देखता है वो ज्ञान है। ध्यान रखना, शक्ति रूप में यह आत्मा अनंत ज्ञान का पिंड है, परंतु वह अनंत ज्ञान अनादि काल से कर्मों के द्वारा आच्छादित है, और उन्हीं अष्ट कर्म को जो आच्छादित है उसी को आज हम नष्ट करके अरिहंत अवस्था प्राप्त करेंगे। इसमें सिर्फ अरिहंत अवस्था की बात आई है, लेकिन आगे हम सिद्धत्व को भी प्राप्त करेंगे। आज एक ध्यान के माध्यम से
थोड़े मंत्र और रिद्धि को भी हम एक बार ले लें, इसके थोड़ा इसका अर्थ बताने से आप लोगों को समझ में आ जाता है अच्छे से। ओम नमो भगवती उत्तरार्थ शोक्यम कुरु कुरु स्वाहा नमः, मंत्र है ये। ओम नमो भगवते, इसको लौकिक व्यवहार में इस मंत्र को लोगों ने पुत्र प्राप्ति के लिए इसका अर्थ निकाला है, लेकिन हम निश्चय से इसे देखें तो हमें कौन सा पुत्र प्राप्त करना है, हमें कौन सा पुत्र बनकर उस सुख की प्राप्ति करना है, वो अनंत सुख की प्राप्ति हमें कौन सा पुत्र बनना है। ओम नमो भगवते, भगवान को यह नमस्कार करके हमें जिनवाणी पुत्र बनना है। हमें क्या करना है, जिनवाणी पुत्र बनके हमें उस सुख की प्राप्ति करना है, अनंत सुख की प्राप्ति। इसलिए हे प्रभु, मैं अपने आप को आपके चरणों में समर्पित कर रहा हूं और आपको मैं नमस्कार कर रहा हूं। ओम ह्रीम रमण मोचारणम झूम झूम नम स्वाहा, रिद्धि है ये। ओम ह्रीम रम नमो चारणम झूम झूम नम स्वाहा, नमो चारणम, ओम आपको पता है, रीम भी पता है, रम नमस्कार करना अरिहंत को, ओम में पंच परमेष्टि, रीम में 24 तीर्थंकर और अरम यानी अरिहंत भगवान को हम नमस्कार कर रहे हैं। नमो चारणानम यानी यहाँ चारण रिद्धि की बात की गई है, जो कि चारण रिद्धि 8 प्रकार की होती है। तो ऐसे चारण रिद्धि धारी मुनिराज को नमस्कार किया गया है कि जो जल, जंघा, तंतु, फल, पुष्प, बीज, आकाश, श्रेष्ठी के भेद से 8 प्रकार की होती है और 8 आलंबन लेकर गमन में कुशल ऋषिगण जीवों को पीड़ा न पहुंचाकर सुख पूर्वक जो गमन करते हैं, जो जमीन से 4 उंगल गमन करते हैं, ऐसे महान रिद्धिधारी मुनिराज को यह नमस्कार किया गया है। 8 चीजों का अवलंबन लेकर चलते हैं कि किसी को भी पुष्प आदि को भी हानि ना हो। कोई ऋषिगण पहाड़ पे यदि साधना कर रहे हैं तो ये आकाश में चल रहे हैं ना सब चारण, अपने दोनों चरण युगल के साथ जमीन से ऊपर चल रहे हैं। ये 6वें 7वें गुणस्थान वर्ती भावलिंगी मुनि महाराज होते हैं जो आकाश में गमन करते रहते हैं। तो आकाश में जब गमन करते हैं तो उनके भाव ये होते हैं, चारण रिद्धि यानी चरणों को अपने ऊपर जमीन से क्यों रखते हैं, नीचे में पुष्प कीड़े आदि उनकी किसी भी प्रकार का उनसे घात ना हो किसी भी जीव का, इसलिए वो इस आलंबन को लेकर चलते हैं। और जो पहाड़ पर भी ऋषि मन तपस्या कर रहे हैं, कई कई करोड़ों मुनिगण तपस्याएं कर रहे हैं, आकाश में विचरण कर रहे हैं भावलंगी सन, किसी को भी किसी भी प्रकार की बाधा न पहुंचे, इसलिए वो 8 प्रकार के आलंबन को लेकर चलते हैं। ऐसे चारण रिद्धि मुनिराज को यह नमस्कार किया गया है। अब हम इसी का ध्यान करते हैं, थोड़ा समझाना जरूरी रहता है तो ध्यान आप आसानी से कर लोगे। आज हम देखेंगे 4 घातिया कर्मों को नष्ट कर अरिहंत बनेंगे, शमो शरण में बैठेंगे, उसके बाद सिद्ध भी बन जाएंगे। केवल ज्ञान की बात यहाँ कही गई है, अरिहंत अवस्था तक भी हम ध्यान कर सकते हैं, अरिहंत अवस्था हमें प्राप्त हो जाए। कल हमने लहलहाता हुआ पेड़ पौधा लगाया था, आज हम चलते हैं इसके शेप और आकार की तरफ। ये देखिए, ये पूरी सिद्ध शिला बनी हुई है, डम्बल रूम बोल के देख सकते हैं आप, रूम व में आधा नीचे है, ऊपर भी ग है, दो व का र का उच्चारण इसमें होता है, वरुम वरुम डम्बल रूम, ऐसा इसका उच्चारण होता है। ओम नमः डम्बल रूम, इसका शेप जो है ये देखिए, ये इसका शेप है। 4 गति संसार में जो हम भ्रमण कर रहे हैं उससे हमें निकलकर अरिहंत अवस्था प्राप्त करना है। ये पूरा संसार चक्र जिसमें अनादि काल से हम घूमते चले आ रहे हैं।
उसी मोहिनी कर्म का आज हमें क्षय करना है। कर्म शत्रु की सेना को आज पराजित करना है हमें। चलते हैं, सभी लोग देखेंगे इसको, देख लीजिए शेप को, ये भी बड़ा सुंदर है। और इसका सिंबल भी आपके सामने आ रहा है, सिंबल को भी आप देख लेंगे। ये इसका सिंबल थोड़ा ऊपर कर, इसमें जो बीज ओम नमो भगवते पुत्रार्थ शोक्यम कुरु कुरु स्वाहा हमने बता दिया, इसमें नीचे पूरी यम 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 इतने सारे लिखे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 24 तीर्थंकर जो हमारे हैं, उन 24 तीर्थंकर ने क्या किया है? यम शब्द क्या करता है? चंचल मन को रोकता है। और ये कहाँ विराजमान है? ये हमारे हृदय स्थान में विराजमान है, ये हमारे हृदय में चंद्र विमान विराजमान है, उसमें यम विराजमान है, जो हमारी चंचलता है संसार के प्रति उसका निरोध करता है। यम बीजाक्षर जो हमारे हृदय स्थान में वायु तत्व विराजमान है, और वायु तत्व में यम विराजमान है। एक तत्व से आज अपनी मुलाकात होगी, वायु तत्व से, हमें वायु तत्व से कनेक्ट होना है। पांच तत्वों में किसी एक तत्व से हम कनेक्ट हो रहे हैं आज, वायु तत्व से, जो हवा में आप देख रहे हैं चंद्र बना हुआ है आपके हृदय स्थान, उस पर ये यम विराजमान करना है। और ये आप लोगों को आपके आज्ञा चक्र के दोनों भो के मध्य में इस सिंबल को स्थापित करना है। आप अपने आज्ञा चक्र पे सीधा इसे लेके जाइए, आपसे बनता है तो बना लीजिए ऐसा, और नहीं बन रहा है आपको, यदि नहीं बनता है तो आप सीधा इसको लेके स्थापित कर दीजिए। 20 टाइम्स प्रेस करना पड़ेगा आपको उसको, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20 times आप आज्ञा चक्र पे प्रेस करिए, यम 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 विराजमान करिए, उसकी शक्ति को महसूस करिए, उसकी एनर्जी को महसूस करिए जो ओम के माध्यम से आ रही है। एकदम स्ट्रेट बैठेंगे, बैक बोन स्ट्रेट, मन शांत, तृष्णा शांत, घृणा ईर्ष्या सब शांत, एकदम शांत होके बैठिए। और तीन बार ओम का उच्चारण, लंबी गहरी श्वास, ब्रीथ इन, ओम। विचार करिए, सोचिए, चिंतन करिए, मैं अनादि काल से अज्ञान रूपी अंधकार में भटक रहा हूं, अब मुझे सम्यक ज्ञान प्राप्त करना है, सच्चा ज्ञान प्राप्त करना है, जिसका पौधा कल हम अपने हृदय रूपी भूमि पर लगा चुके हैं। अब हमें केवल ज्ञान की प्राप्ति करना है,
वह ज्ञान जो अन्य किसी में हो नहीं सकता, उस ज्ञान को पाने के लिए हम सूर्य की तेज आताप के सामने खड़े हैं। सूर्य के तेज आताप में वह प्रसन्नता नहीं जो प्रसन्नता केवल ज्ञान के तेज में है। हम अपनी मनोव्यथा को समझ रहे हैं। अनादिकाल से मोह मदिरा पी रहे हैं, उसी में मस्त है, जो केवल ज्ञान अनंत पदार्थों को प्रकाशित करता है। उसको पाने के लिए मोहनी कर्म की सेना को हमें परास्त करना है। मोहनी कर्म रूपी शत्रु जो हमारे गुणों का घात करता है, हमारे अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर्य का घात करता है, उस मोहनी कर्म को हमें आज परास्त करना है। विचार करिए, सोचिए। पूर्ण विकसित ज्ञान को अब हमें प्राप्त करना है, जो हमारे प्रभु के पास है। इसलिए हम अपने आप को प्रभु के चरणों में समर्पित कर रहे हैं। तुम जैसा बनने के कारण शरण तुम्हारी आया, मैं शरण तुम्हारी आया। जिन दर्शन सुनिज दर्शन, अपने स्वरूप को जानकर मैं लोकालोक को जाऊं, इसलिए मैं अपने आपके सामने आकर प्रार्थना कर रहा हूं। मुझसे ये पुद्गल की प्रीत छुट्टी नहीं जाती। मुझे ये पुद्गल पिंड से भिन्न होना है, इसलिए मैं आज आपकी आराधना करने आपके चरणों में आया हूं। मुझे इंद्रियों से रहित होना है, पुद्गल पिंड से अपना पीछा छुड़ाना है। मेरे ऊपर जो मोहनी राजा ने अपना वर्चस्व, अपना कब्जा करके रखा है, उस मोहनी राजा को भी मुझे पलायन करना है। पुद्गल की प्रीत मुझसे छूटे ना छुटाई, मैं कैसे करूं भाई। पुद्गल की प्रीत मुझसे छूटे ना छुटाई, मैं कैसे करूं भाई। मैं हूं अकेलो जो पुद्गल अनेक है, घेरे है चारों ओर सबर एक मेक है। फंसी हूँ अनादि से कछु समझ में न आई, मैं कैसे करूँ भाई। अनादि काल से मैं
मोह में फंसी मेरी आत्मा मोह महामद में लिप्त, मोह महामद पियो अनादि, भूल आपको भरमत वादी। मोह महामद पीकर उस मदिरा पान कर कर हे प्रभु मैं अपने आत्म स्वरूप को भूल चुका हूँ, इसलिए मैं अपने आप को आपके चरणों में समर्पित कर रहा हूँ। मैं वो अनंत गुण रूपी स्वभाव जो मेरा है उसे मुझे प्रकट करना है, इसलिए अब मेरा शुरू हुआ युद्ध मोहिनी कर्म से धीरे धीरे मेरी आपके चरणों में रहकर विशुद्धता बढ़ रही है। प्रभु मेरे अंदर विशुद्धता बढ़ रही है, विशुद्धता बढ़ रही है, विशुद्धता बढ़ रही है। मेरी शुद्धोपयोग रूप सेना तैयार हो रही है, शुद्धोपयोग रूप सेना तैयार हो रही है। प्रतिक्षण बढ़ने वाली उत्तरोत्तर विशुद्धि की प्रबल सेना मेरे अंदर तैयार हो रही है। मैं अपने ओर आते देख रहा हूं, उस विशुद्ध सेना को मैं अपने ओर आते देख रहा हूं, और मैं देख रहा हूं जैसे जैसे विशुद्धि की सेना मेरे ओर आ रही है, वैसे वैसे जो प्रथम कर्म जो मोहिनी राजा जो संसार पे पूरा राज करा, जिन्हें मुझे भी मदिरा पान कराकर संसार में मदमस्त किया, मेरे चेतन राजा को जिसने मूर्छित कर रखा था, मुझे आचार विचार की शक्ति को मेरी आचार विचार की शक्ति को जिसने मूर्छित कर रखा था, मुझे भुलाया था, संसार में रमाया था जिसने, ऐसा ये मोहिनी राजा जैसे जैसे विशुद्धि की सेना मेरे ओर आ रही है देख रहे हैं, मोहिनी राजा में कंपायमान डर भय प्राप्त हो रहा है। अब मोहिनी राजा उस विशुद्धि से भयभीत हो रहा है, और देखेंगे आप जैसे ही विशुद्धि की ओर बढ़ती है उत्तरोत्तर, मोहिनी राजा अपने अस्त्र शस्त्र डाल चुका है और भाग रहा है, जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, भागा 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 मोहिनी कर्म भागा, अनंत सुख की प्राप्ति हुई, आपके अंदर अनंत सुख ले ले आ रहा है, अनंत सुख की प्राप्ति हो चुकी। जब राजा ही चला गया प्रजा तो बड़ी स्वस्थ हो गई, प्रजा बड़ी शिथिल हो गई। अब प्रजा कुछ काम की नहीं, राजा को जाते देख, मोहिनी कर्म रूपी राजा को जाते देख, ज्ञानावरण कर्म भी भयभीत हो रहा है, ज्ञानावरण कर्म भय के मारे कांप रहा, इधर उधर देख रहा है, मैं कहां भागूं। ऐसा ज्ञानावरण कर्म जिसने मेरे ज्ञान को ढाक रखा है, पर्दे के समान उस पे मेरे ज्ञान पे पर्दा डाल रखा है, वो ज्ञान मूर्ति के दर्शन नहीं करने देता, मेरे ज्ञान को आच्छादित कर रखा है, मेरे ज्ञान का उघाड़ नहीं होने देता। ऐसा ज्ञानावरण कर देखिए भयभीत हो रहा है, कांप रहा है। जब राजा ही नहीं प्रजा का क्या काम। और भागा भागा भागा
ज्ञानावरण कर्म भागा और अनंत ज्ञान की प्राप्ति हुई, अनंत ज्ञान की ओर हमारे अंदर अनंत ज्ञान प्राप्त हो चुका। अनंत ज्ञान जो ज्ञानावरण कर्म को भयभीत होते देख दर्शनावरण कर्म भी कांपने लगा। मोहनी कर्म की राजा की प्रजा धीरे धीरे पलायन हो रही है। दर्शनावरण कर्म जो कि द्वारपाल के समान है, जब देखो तब मेरे आत्मा का द्वारपाल बना बैठा रहता है, मुझे मेरे आत्मा के दर्शन करने नहीं देता। द्वारपाल जैसे राजा से नहीं मिलने देता, ऐसे ही ये मेरे आत्मा राजा से मिलने नहीं देता। इसलिए इसे भी जाना होगा। मेरे भावों में और विशुद्धि बढ़ रही है, और विशुद्धि बढ़ रही है, और वह विशुद्धि को देखते ही देखते दर्शनावरण कर जा रहा है, जा रहा है, भाग रहा है। जैसे जैसे विशुद्धि की सेना आगे बढ़ रही, तो मोहनी कर्म की सेना पलायन होते जा रही है, भाग रही है। अब दर्शनावरण कर्म भी गया 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 और अनंत दर्शन की प्राप्ति हुई। धीरे धीरे मोहनी कर्म की प्रजा भी पलायन हो रही है। अनंत दर्शन ज्ञान मोह को देखकर अंतराय कर्म भी शिथिल हो चुका। चतुर्थ नंबर अंतराय कर्म जो बहुत बाधा पहुंचाता था प्रभु के दर्शन करने में, एक भंडारी के समान मुझे कभी दान नहीं करने देता। जिस प्रकार भंडारी राजा को दान करने में रोकता, उसी प्रकार यह अंतराय कर्म मुझे दान देने में रोकता, मुझे मेरी शक्ति को प्रकट नहीं होने देता, आत्मशक्ति को रोकता है, दाता को दान देने से रोकता है। अब ये भी भयभीत हो रहा है, कैसे कांप रहा है। देखो अंतराय कर्म पैरों तरी जमीन से सरक रही है अंतराय कर्म की, क्योंकि सबसे ज्यादा बाधा इसी ने किया है। बाधित हमें कभी दान पुण्य नहीं करने दिया, इसे जाना ही होगा। जैसे जैसे विशुद्धि बढ़ रही है, जैसे जैसे ज्ञान बढ़ रहा है, अंतराय कर्म जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है। भागा 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 अंतराय कर्म भागा और अनंत वीर्य की प्राप्ति हुई। अनंत वीर्य की प्राप्ति हो चुकी, अनंत बल, अचिंत बल, अनंत शक्तिशाली हो चुके हैं हम और अर्हंत अवस्था को प्राप्त कर चुके। अर्हंत बन गए, चार घातिया कर्म नष्ट हो चुके, हम अर्हंत बन चुके। जैसे ही इंद्र को पता चला अर्हंत बन चुके हैं, कुबेर की आज्ञा से 5,000 धनुष ऊपर समुश्रण की रचना कर दिया। रत्नों की दिवाले, अष्ट प्रातिहार्य रत्नों के सुसज्जित, रत्नों का सिंहासन, रत्न जड़ित सिंहासन, 5,000 धनुष ऊपर समुश्रण की रचना, जहां अर्यंत प्रभु विराजमान हो रहे हैं, अर्यंत प्रभु विराजमान हो रहे समुशरण में,
सभी लोग पूजा अर्चना कर रहे हैं। सभी पूजा रचाए की आरतियां सजाए, धार संयम है दिगंबर की सजा पाने को, चलो रत्न त्रय को धारे मुनि शिव पाने को। मुनि शिव पा लिया है, रत्न त्रय धारण कर लिया है, शमो शरण में हम विराजमान हो चुके, अर्यंत अवस्था प्राप्त हो चुकी। सभी इंद्र पूजा पाठ पूजा अर्चना कर रहे हैं, सौ इंद्रों से पूजित हो रहे हैं। और अब दीक्षा से लेके केवल ज्ञान तक जो मौन था वो मौन खुलने वाला है। अब ओमकार ध्वनि फूटने वाली है, अर्धमागधी भाषा में भगवान की वाणी खिलने वाली है। अब भगवान की वाणी खिल रही है अर्धमागधी भाषा में सर्वांग से। ओ सात सौ लघु भाषा और 18 गुरु भाषा में भगवान की वाणी खेल रही है। सभी के कानों के पर्दे तक आते आते वो वाणी उनके भाषा रूप परिणमित हो जा रही है। सभी अपनी भाषा में समझ रहे हैं वाणी को, सभी अपनी भाषा में वाणी को समझ रहे हैं। भगवान की वाणी, दिव्य वाणी, मधुर वाणी, जो कि हमारे आत्म कल्याण के लिए कार्यकारी है, उस वाणी को सुन सभी लोग हर्षित हो रहे हैं। सभी को मोक्ष प्राप्ति का रास्ता प्राप्त हो रहा है। अब प्रभु का वहां से गमन हो रहा है, पूरे आर्यखंड में गमन हो रहा है, धर्म का प्रचार प्रसार हो रहा है। जहां जहां प्रभु जाते, इंद्र अपनी भक्ति से उनके चरण कमल के नीचे 225 स्वर्ण कमल की रचना कर रहा है। उस कमल पे से हम चल रहे हैं, अर्यंत प्रभु चल रहे हैं। चार अंगुल ऊपर सारा प्रचार प्रसार हो रहा है, लेकिन अभी चार पहरेदार खड़े हैं जो हमें सिद्धत्व तक पहुंचने नहीं दे रहे। उन चार पहरेदारों को भी हमें भगाना है, इसलिए अब हम और अपने भावों में विशुद्धि बढ़ाएंगे, प्रचार प्रसार के बाद अब हम सिद्धत्व की प्राप्ति की ओर जा रहे हैं। वेदनी कर्म जो कि सुख दुख दाता है, मधु से लिप्त तलवार के समान है। चाहतो तो सुख, जीप कट जाए तो दुख। हमेशा से अनादिकाल से मुझे सुख दुख देते चला रहा है। इस वेदनी कर्म को मुझे भगाना होगा। अरहंत अवस्था प्राप्त देख
वेदनिकर्म कंपायमान हो रहा है, भयभीत हो रहा है और अब मेरी आत्मा इस सुख दुख से भी परे अनंत सुख की ओर जा रही है, अनंत सुख की ओर जा रही है। भागा भागा भागा, वो देखिए वो जा रहा है, वो देखिए वो जा रहा है वेदनिकर्म। गया 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 वेदनिकर्म गया और अव्यवाधत्व गुण की प्राप्ति हुई, अव्यवाधत्व गुण की प्राप्ति हो चुकी। उसे देख आयु कर्म थरथराने लगा, जो कि कारागृह की तरह मुझे बांध रखा था। मेरे शरीर को टिका रखा था, जिसके कारण मैं जीवित रहता था। उसके क्षय होने से मृत्यु होती थी, तो वो जन्म जरा रूपी रोग वो मुझे नष्ट करना है आयु कर्म का। वो आयु कर्म स्वयं ही भयभीत हो रहा है, स्वयं ही भागने के लिए इधर उधर देख रहा है। गया 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 आयु कर्म गया और अवहानत्व गुण की प्राप्ति हुई, आयु कर्म को भाग देख नाम कर्म भी कंपायमान हो रहा है। नाम कर्म का सिंहासन डोल रहा है, जो पूरे शरीर की ही रचना करता था। वो भी सोच रहा है कि राजा ही नहीं तो मैं क्या करूं, पूरी सेना निर्बल हो चुकी। जो नाम कर्म जिसकी तुलना चित्रकार से की जाती थी, जो संसार में रंग बिरंगी चित्रे बनाता था, किसी को गोरा किसी को काला किसी को ऊंचा किसी को नकता, जीव के शरीर का निर्माण करता था। देखिए वो नाम कर्म कैसा भयभीत हो रहा है, कैसा सुकुड़ के खड़ा हुआ है, भागने की ओर देख रहा है। और भागा 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 नाम कर्म भागा और सूक्ष्मत्व गुण की प्राप्ति हुई, सूक्ष्मत्व गुण की प्राप्ति हो चुकी। सारे कर्म को सारी प्रजा को भागते जाते देख गोत्र कर्म ने अपनी ऊंच नीच तलवारों को नीचे फेंक दिया। गोत्र कर्म ने सारे अपने अस्त्र शस्त्र फेंक दिए। जो ऊंच और नीच गोत्र में जन्म दिलवाता था हमें, वो भी भयभीत हो रहा है कि मैं ही रुक के क्या करूं, सब तो चले गए मैं अकेला क्या करूंगा, वो भी भयभीत हो रहा है। और देखिए कैसा भयभीत होकर इधर उधर भागने के लिए राह देखता है, और धीरे से गोत्र कर्म भी जा रहा है, जा रहा है, भाग रहा है, भाग रहा है। गया 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 गोत्र कर्म गया और अगुण लघुत्व गुण की प्राप्ति हुई, अष्ट गुण प्रकट हो चुके, सिद्धत्व बन चुके। और सिद्धालय का चित्र आपके सामने, उसकी एनर्जी आप ले रहे हो, ले रहे हो, ले रहे हो। आपके सामने सिद्ध शिला विराजमान और आप उसमें स्थित हो गए। ओम डब्ल्यू नमः, ओम डब्ल्यू नमः, ओम डब्ल्यू नमः। कपूर के भांति आपका शरीर उड़ चुका और आप
शुद्ध आत्मा, त्रिकालिक शुद्ध अष्ट गुण धारण कर सिद्धालय में विराजमान हो चुके, समकित दर्शन ज्ञान अगुरु लघु अवघाना, सूक्ष्म विरजवान निराबाध गुण सिद्ध के, अष्ट गुणों से सुशोभित हो चुके, आपके मात्र नाखून और केश रह गए हैं। अग्नि कुमार देव अपने मुकुट से अग्नि कर उसे भस्म कर देते हैं और आप सिद्धालय का आनंद ले रहे हो। वो शुद्ध शुद्ध पर्याय का आनंद ले रहे हो जो चिरकाल टिकने वाली है। किंचित शरीर से न्यून होकर अवगणत्व को धारण कर लिया है, लोकाग्र पर स्थित लोक के अग्र पर अग्र भाग में स्थित हो चुके, जहां तक छह द्रव्य जाता है वहां तक लोकाकाश है, उसके बाद लोकाकाश। आप लोकाकाश के अग्र भाग में आपका सर वहां पर टच स्पर्श हो चुका, लोक के अग्र भाग में आप स्थित हो चुके हैं। यह जीव सिद्ध के गुणों में तन्मय होता हुआ स्वयं को शुद्ध बुद्ध निरंजन कर्म रहित स्वरूप में लीन मानता हुआ, मैं ही ऐसा ही परमात्मा हूँ, सब लोग इसी प्रकार चिंतन करें, मैं ही वहां विराजमान हूँ, इस प्रकार का चिंतन करें, मैं ही वो सर्वज्ञ हूँ, मैं ही वो सर्वव्यापी हूँ, मैं ही वो सिद्ध हूँ, मैं ही वो साध्य हूँ, मैं ही समस्त विश्व को एक साथ युगपत जानने वाला मैं ही हूँ, मैं ही वो शुद्ध परमात्मा हूँ, मैं ही वो साध्य हूँ, मैं ही वो साधक हूँ। मैं ही वो ईश्वर हूँ, मैं ही वो परमात्मा हूँ, मैं ही वो युगपत एक साथ जानने वाली शक्ति में ही हूँ। उद्गम रूपी मोह रूपी शरीर से केवल ज्ञान रूपी शरीर, उसके बाद मात्र अ आ इतना बोलने से सिद्धत्व की प्राप्ति, इतना बोलने का जो समय है उतने ही समय में सिद्ध शिला पर हम विराजमान हो चुके, मैं ही वो सिद्ध परमात्मा हूँ। इस प्रकार का चिंतन तो तीन बार ओम का उच्चारण, दोनों हाथों पर सिद्ध शिला बनाते हुए, सिद्ध स्वरूपोऽहम् कर्मातीतोऽहम्, सिद्ध स्वरूपोऽहम् कर्मातीतोऽहम्, सिद्ध स्वरूपोऽहम् कर्मातीतोऽहम्, सिद्धोऽहम् 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 सोहम सोहम सोहम। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम सुखम ओम सुखम ओम शांति ओम शांति। दोनों हाथों का स्पर्श करें, पूरे शरीर में फैल लेंगे। धीरे से प्रसन्नता पूर्व चेहरे पर आंखों को खोलेंगे।
ओम सुखम ओम शांति सबको जय जिने सबको क्षमा सबसे क्षमा उत्तम क्षमा बोलिए आदिनाथ भगवान की जय। दीदी जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। सबको जय जिनेन्द्र। और ये मेरे को पूछना था ओम नमः भगवते पुण्यार्थम पुत्रार्थम क्या है ये? पुत्रार्थ सौख्यम। पुत्रार्थ पुत्रार्थ सौख्यम है ना। हाँ पुत्रार्थ सौख्यम पुत्रार्थ सौख्यम ना वो पुत्र प्राप्ति के लिए है ना। अच्छा और मेरा 2 दिन का दीदी छूट गया शादी थी घर में। कोई बात नहीं आप यूट्यूब पे देख लो यूट्यूब पे है। हाँ ठीक है। हाँ यूट्यूब पे देख लीजिए आपका जो छूटा हुआ है। अच्छा ठीक है। जय जिनेन्द्र जी। जय जिनेन्द्र। अजीत जी क्या बोल रहे हैं? अजीत जी को ले माला जी अपना वीडियो बंद कर लीजिए आवाज हो रही है। हाँ अजीत जी। जय जिनेन्द्र दीदी। जय जिनेन्द्र भैया। बिल्कुल ध्यान में ऐसा खो गए बोलने की इच्छा नहीं हो रही। बहुत ही अद्भुत ध्यान ऐसा लगा कि कहाँ चले गए और आपके शब्द धीरे 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 सहज बोलते हो जिस तरह से कर्तारत्म बन जाता है करीब करीब तो बहुत ही अच्छा बहुत अद्भुत ध्यान देखा लगा। थैंक यू। अभी कैसा है आपका हाथ का दर्द? हाँ दीदी इसमें इसमें वो ये कहते हैं कि बिल्कुल मोड़ो इसको इसको हा? ये हाथ को बिल्कुल मोड़ो बिल्कुल यो इस तरह के करो इस तरह से जोर जोर। अच्छा इसको हाँ थोड़ा सा। अच्छा हो रहा है ना ये अपने आप नहीं होता है थोड़ा सा ये मेहनत करना पड़ता है। करना पड़ता है उसकी मालिश करिए थोड़ी थोड़ी मूव वगैरह लगा के। अच्छा। गर्म पानी में हल्दी और नमक डाल के ना उसकी थोड़ी थोड़ी मालिश करिए तो ठीक हो जाएगा। थोड़ी थोड़ा सा लेट हो गया आज थोड़ा सा। आप तत्वार सूत्र अपन रहने देते कल ले लेंगे क्यों अजीत जी? तत्वार सूत्र कल ले लेंगे आज थोड़ा लेट हो गया। लेट हो गया थोड़ा। लैपटॉप कब बंद हुआ था? बीच में हो गया था दीदी पता नहीं हमें भी जानने लगा पता नहीं चला। ध्यान में थे तो। हाँ बोलिए। जय जिनेन्द्र दीदी। कुछ ध्यान था दीदी वास्तव में जो 8 कर्मों का आपने गमन बताया ऐसा महसूस हुआ वास्तव में कर्म अष्टकर्म का नाश हो ही रहा है। बहुत ही अद्भुत ध्यान हुआ सिद्ध शिला में जाकर के ऐसे बैठ के जैसे कोई वास्तव सिद्ध शिला बैठे अपनी बैठे और कपूर जो उड़ रहा था जल के वो प्रत्यक्ष में नजर आया। बहुत खूब बहुत बहुत अनुमोदन आपके ध्यान की धन्यवाद। आप बोल रहे हो आंटी जी? बस दीदी बोलने के लिए कुछ बचता नहीं है बिल्कुल साइलेंट हो जाते हैं हम तो। लगता है कि बस सारे दिन वही घूमता रहता है दिन भर। आपके जो आवाज आती है वो इतनी मधुर आवाज कि बस वही वो चलता रहता है दिन में। कभी मतलब कुछ किसी की बात पसंद भी नहीं आती लगता है लेकिन हम बोलने की इच्छा नहीं होती किसी से कुछ भी। अब ऐसा लगता है शांत ठीक है जो हो रहा है। शैली है वो बहुत ही खूबसूरत शैली है। कभी ऊंची आवाज कभी मध्यम आवाज और बीच में आपके गीत वगैरह बहुत ही अच्छा लगता है। भजन वगैरह चलते हैं जो। बहुत 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 धन्यवाद दीदी आपको। थैंक यू बहुत सुंदर। जय जी दीदी। बोलिए मोना जी। दीदी आपका ध्यान बहुत ही अच्छा है बहुत ही मेदम मगन कर दे पता नहीं हम कहाँ चल जाए कहाँ नहीं। वैसे आज मेरा ध्यान टूट गया था कोई बोलने लगे तो मेरा ध्यान टूट गया था। आपका ध्यान बहुत ही अच्छा है दीदी आप जो कराती हो बहुत अच्छा कराती हो। दीदी मुझे ना पता नहीं बुखार की फीलिंग बहुत हो रही है ठंड बहुत लगती है बहुत ज्यादा ठंड लगती है। चलिए यार ये कर देते हैं
आपको बुखार आ रहा है, आपकी हीलिंग, आपकी अजीत जी की भी हीलिंग कर देते हैं। बैठे बैठे ही बहुत ठंड लग रही है। हाँ अभी मंत्रों से गर्मी आ जाएंगे। देवी जी मुझे ही स्पॉटलाइट पे ऐड कर देते हैं। सारे ध्यान यूट्यूब पे मिलेंगे। हम प्रतिदिन डॉक्टर अर्चना वीडेन का यूट्यूब चैनल है, आप उसको सब्सक्राइब भी कर दीजिए। प्रतिदिन का प्रतिदिन शाम तक रात तक चले ही जाता है, कभी मिस होता होगा तो दूसरे दिन जाएगा। वीडियो नहीं भेजा आपने विकास भी रात का वीडियो, विकास भी जो रात का वीडियो है ना वो नहीं आया। आकाश भैया का कल था? हाँ आकाश भैया का, सॉरी आकाश भैया का। हाँ वो रात में बहुत लेट, मीटिंग रात में मीटिंग वगैरह चलती रही ना, 12:30 बज गए थे रात में, बहुत लेट हो गए थे। देखो अजीत जी की भी नींद, अजीत जी भी जग रहे थे रात में, उनकी भी नींद नहीं हुई है आज, वो भी लग रहा है स्वस्थ। रात में हम लोग सब मीटिंग में बैठे थे ना 12:30 बजे तक, मीटिंग में थे तो सब लोग ऐसे नींद भरे हुए, आज किसी की नींद नहीं हुई। 1 बज गया था रात में सबको, तो वो डाल नहीं पाए कल, कल व्यस्त रहे तो दूसरे दिन चले जाता है वो। आपको 1 दिन में 2 दिन में मिल जाएंगे पूरे वीडियो, पूरे वीडियो जा रहे हैं यूट्यूब पे, 1-2 दिन में पूरे मिलेंगे। वैसे आप आइए हीलिंग सेंटर की फेसबुक पे, तो हमेशा सब चीज है फेसबुक पे, तो सब चीज एनी टाइम आप कभी भी देख सकते हो, सभी चीज उस पे तो है ही है। मैं जाते यूट्यूब पे देखती हूँ, उसी पे देखती हूँ, जब तक नहीं आ रहा है तो फिर तो डाउनलोड करना हो जाता भी 3-4 साल से लेट तक भी थक गया करते करते। दीदी आप तो बस तनी कैसे इतना कर लेती आप, बहुत मैं सोचती रहती हूँ आप इतना कैसे कर लेती हो, आपका त्याग भी है सब चीजों को, त्याग भी करती हो, ये काम भी करती हो, कैसे करती है आप, हम भी इतनी हो कर दो हम भी ऐसे आपकी जैसे बन जाएं। जरूर क्यों नहीं बनोगे, जैसी भावना भावोगे वैसी बनोगे ना। जी बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा लगता है दीदी मेरी उंगलियां देखो परिक्रमण कर लेते हैं ना। प्रतिक्रमण कर ले, ठीक है पहले प्रतिक्रमण कर लेते फिर हीलिंग कर ले। चलिए प्रतिक्रमण कर लेते फिर लोग कम हो जाते हैं, फिर हीलिंग कर लेंगे। हे अरिहंत प्रभु, मुझसे मन वचन काया द्वारा, क्रोधवान माया लोक द्वारा, समरम समारंभ द्वारा, कृतकारी अनुमोदन द्वारा, सच्चे देवगुरु शास्त्र की अभिनय और सत्ता हुआ मुझे क्षमा करे प्रभु, मुझे क्षमा करे तथा हे प्रभु, एक केंद्र से लेके पंचेंद्र तक इस भाव में या पूर्व भाव में किसी भी जीव का घात हुआ हो, दिल दुखा हो, उनके शरीर में मेरे वजह से आधी व्याधि पहुंची हुई, मुझे क्षमा करे प्रभु, मुझे क्षमा करे। हे प्रभु, आज का नया दिवस नए अनुष्ठान के साथ आपने दिया, इसलिए आपका कोटि कोटि आभार, कोटि कोटि आभार, कोटि कोटि आभार व्यक्त करते हैं। कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन करते हैं तथा भावना भाते हैं। जब भी हमारा देह विसर्जन हो, समाधि संलेखना पूर्वक ही हो तथा लेट के नहीं बैठ के जाऊंगा, घर से नहीं मंदिर से जाऊंगा, इसी भाव के साथ शरीर को संयम रूपी मंदिर बनाकर उस पर संलग्न रूपी कलश धारण करके ही जाऊं। इसी भाव के साथ मैं स्वस्थ हूं, स्वस्थ हो रहा हूं, स्वस्थ हो चुका हूं। स्वस्थो हम सुरक्षितो हम, ओम नमः आरोग्यो हम, परम स्वास्थ्य स्वरूपो हम, परम स्वास्थ्य स्वरूपो हम। बोलिए हरिनाथ भगवान की जय। जय जय।
अरे वो दिखाना था आप लोगों को, जो 85 इयर्स के दुरुग में कभी मंदिर भी नहीं गए, उन्हें गए अंत में 5 दिवसीय उपवास करके समाधि संलग्ना पूर्वक अपना जीवन कैसे देह विसर्जन किया है। देखिए मैं आपको दिखा दूं, मेरी बहुत इच्छा थी कि मैं उसको प्रतिदिन देखेंगे तो भी कम है वो, मतलब आप देखेंगे उसको कैसी समाधि संलेखना हुई है, ऐसी समाधि संलेखना। ये देखिए ये कैसे थे, और मेरी सिस्टर अंजलि उनको देखिए ये अंतिम समय उनका चल रहा है, ये संबोधन हो रहा है, देखिए उनका संबोधन 10 किलोमीटर दूरी पे अंजलि के घर से। देखिए नमो अरियंतानम नमो सिद्धानम नमो आयरानम नमो वज्रायनम नमो लोय शब्द श्रावणम नमो अरियंतानम नमो सिद्धानम नमो आयरानम नमो वज्रायनम। देखिए जो पुण्यात्मा जीव रहता है, जिनकी होनहार अच्छी रहती है, वो कैसे निमित्त उनको मिलता है। हर किसी को अंजलि का निमित्त नहीं मिलता, हर किसी को अंजलि का निमित्त नहीं मिलता, लेकिन इन्हें मिला। और इन्होंने अपने आप वस्त्र फेंक दिए, गद्दे फेंक दिए, और मुनि व्रत अंगीकार करने के भाव कपड़े पूरे फेंक दिए। ऐसा संबोधन अंजलि ने किया कि उनका हृदय परिवर्तन हो गया। देखिए मुनि दीक्षा धारण करने उनमें, और इतनी चैतन्य अवस्था है उनकी। देखिए माता जी भी आई है यहाँ, दो माता जी भी बैठी है। देखो कैसे सुन रहे हैं उनकी आंखें, देखो देखिए उन्हें पीछे कमंडल भी दे दिया गया है, पीछे कमंडल भी उनको दे दिया गया है। देखो मुनि दीक्षा वीडियो कॉलिंग से व्यास सागर महाराज जी ने दी है, महाराज जी से उनने भी मुनि दीक्षा भी दिलवा दी है। दिल्ली अंत भला तो सब भला, आपके अंतिम भाव कैसे है। जब माता जी ने कहा कि उठो 3 उपास हो गए आपके, 5 उपास के साथ संलेखना हुई, उठो 3 उपास हो गए आपके, चलो आहार ले लो, अंजलि बांध लो। जब माता जी ने उनको कहा 3 उपास हो गए, चलिए अंजलि ग्रहण करिए और आहार को चलिए, 3 उपास हो गए, आप आहार लीजिए। उन्होंने जो मुद्रा बोली माता जी ने अंजलि बांधी है, उन्होंने वो मुद्रा तो नहीं बांधी और ये मुद्रा बांध ली। दोनों हाथ ऐसे बांध लिए,
बोले नहीं, मेरा चारों प्रकार का हर का त्याग है। शाम को अंजलि का संबोधन हो रहा है और कपड़े फेंक दिए, गद्दा फेंक दिए, ऐसा हृदय परिवर्तन, ऐसे बिल्ली की समाधि होती है। ऐसा हृदय परिवर्तन, महाराज जी से वीडियो कॉलिंग पे दीक्षा दिला दी। थोड़ा सा अंजलि को लेट हुआ कि उनके घर से फोन आ जाता, दीदी जल्दी आओ, दीदी जल्दी आओ, दीदी जल्दी आओ, उनके घर से फोन आ जाता और अंजलि सुबह जाती फिर रात में जाती। दो दो बार चार चार घंटे संबोधन की, ऐसा संबोधन की जो 85 वर्ष के आयु में कभी मंदिर नहीं गया, जो उसको इतनी अपने आत्म तत्व की महिमा आई कि अंतिम समय स्वयं हमारा काम सिर्फ बताना है, करना आपको है सिर्फ। वो तो हृदय परिवर्तन कर रही थी अंतिम समय, उन्हें स्वरूप बता रही थी आत्मा का क्या है, और कपड़े फेंक दिए, गद्दे फेंक दिए। माता जी ने भी संबोधन किया, माता जी ने कहा चलिए आहार को, 3 उपास हो गए आपके, अंजलि बांध, गमन कर। उन्होंने अंजलि मुद्रा तो ये नहीं बांधी, ये मुद्रा बांध ली। ऐसी चैतन्य अवस्था में समाधि होना, सोचिए। पीछे कमंडल धारी हो गए, संयम के उपकरण धारी हो गए, वो बताइए। 5 दिन 5 उपवास के साथ अन्न जल चारों प्रकार का त्याग, 5 दिन तक जब समाधि उपास के साथ होती तो उसका महत्व कुछ और रहता है। 5 उपास के साथ समाधि संलग्न धारण कर निश्चित ही स्वर्ग में गए हैं। वहां से चय कर जब मनुष्य पर्याय में आएंगे तो और मुनि व्रत धारण करके मोक्ष की प्राप्ति कर लेंगे, 2 भाव में, ज्यादा से ज्यादा 7-8 भाव में। इस प्रकार की समाधि संलग्न हमारी भी हो, बार बार ये संलग्न देखने को मन करता है। कल किसी का फोन भी आया था विजय लता जी के यहाँ से कि दीदी दिखाने से बहुत अच्छे भाव बनते हैं। हमने कहा कोई बात नहीं, कल और दिखा देंगे। अनम्यूट करिए सुरेश कुमार जी। जय जिनेन्द्र दीदी। जय जिनेन्द्र, बहुत अच्छा लगा कल तो सुना था। हमने तो सोचा था कि डायरेक्ट उनके मुंह से, दीदी के मुंह से सुनेंगे, और आप ये बोल रहे हैं बहुत ही अच्छा है, और इससे भाव तो बढ़ते ही है आदमी के, और यानी परिवर्तन बहुत ही आता है, प्रेरणा भी बहुत मिलती है। और आपका तो जितना योग इस चीजों में रहता है उसकी तो कल्पना भी नहीं कर सकते, सोच भी नहीं सकते हम लोग, लेकिन बहुत ही अच्छा लगा। और ये मालूम हुआ ध्यान हो गया उनके, 20 ध्यान हो गए ना आज, आज 20 ध्यान हो गए, 20 ध्यान हो गए। हाँ नहीं, पूरे ध्यान में बैठ रहे दीदी हम तो, मैं तो ले रही हूँ, और बहुत मेरे को महसूस भी बहुत अच्छा हो रहा है ध्यान से, और कभी कभी मैं ये यूट्यूब का दोपहर में और लगा के भी बैठ तो मैं भी ध्यान में जब बैठा हुआ तो मुझे सामने सिर्फ भगवान के वो ही दिख रहे थे, और जो दिखती पूरी भगवान की, और भगवान की सूरत ही दिखती अलग अलग जगह के, या पार्श्वनाथ भगवान, वही तो दिखाना हमारा उद्देश्य है ध्यान में ले जाना है हमें, सीधा प्रभु के दर्शन हमें साक्षात करवाना है कि आपके प्रभु है। आज बहुत ही अच्छे दर्शन हुए दीदी, बहुत अच्छे हुए। और कल जो आपने कैलाश पर्वत की यात्रा की थी तो मैं खुद कैलाश पर्वत पर पहुंच गई थी, वहां के मैं करके आई हूँ उस टोक पर, मतलब उस जगह पे जाके चीन के, और वहां जो मैंने माला और फेरी थी तो पूरा दृश्य मेरे सामने ऐसा कैसे आया पहाड़ का, कि मैं कैसे घोड़े से मेरे साथ चले करे, सब पूरा ऐसा कैसा दिखा, और वहां बैठ के मैंने पूरा ध्यान किया उसी से कैलाश मानसरोवर की, पूरा मेन मानसरोवर में भी जाके आए हम लोग, और वहां जाके आए हैं, हम जाके आए मानसरोवर में। अष्टापद का जो पर्वत वहां पर जो बताते हैं हमको, वहां पर जो अष्टापद इस समय जो बताते हैं, मतलब उसके आगे तो जा ही नहीं सकते हैं हम, जी माला जपी, और उसमें जगह जगह पे अपने जैसे ओम और कलश स्वास्तिक के फूलों के ऊपर चिन्ह पूरे दिखते अपने को, और मिटते रहते जैसे छोटे छोटे प्रिंट आते फूलों पे, ओम स्वास्तिक कलश ऐसे पूरे चिन्ह दिखते, तो मेरे को जमीन में चलने को भी डर लगता था कि मैं ओम पे पांव रख के चल रही हूँ बोलकर। अच्छा, हम वहां जाके आए दीदी, वहां के दर्शन करके आए। 3 दिन की बहुत कठिन यात्रा थी, 80 किलोमीटर जो थे
तो 3 दिन में हमने घोड़े पे करी वो यात्रा भी, घोड़े पे आधी पैदल आधी घोड़े, आधी पैदल आधी घोड़े, हम नहीं जा सकते, घोड़े पे जाना पड़ता है। तो जितनी पैदल कर सकते थे उतनी पैदल ही की हमने 3 दिन, और मानसरोवर की पूरी परिक्रमा भी करी हमने, मानसरोवर की पूरी परिक्रमा। अच्छा, बहुत हम वहां जाके आए, पूरी 24 तीर्थंकरों के मोक्ष भूमि पर हमारे, मतलब मोक्ष स्थली हो गई है, जन्म स्थली रही है, थोड़ी रह गई हो देखेंगे, आप भाव बढ़ाएंगे तो बढ़ते जाएंगे और हो जाएगा। जरूर जरूर सभी को जाना है, समाधि संलेखना, आप रत्नकरण सावकाचार में समाधि संलेखना का दिया है ना, क्वेश्चन आ रहा है, सावकाचार में समाधि संलेखना का पूरा चैप्टर है, आप पढ़ सकते, देखना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, नहीं अब सवाल आ रहा था कहाँ पे है, आप पढ़ सकते। हाँ करुणा नाहटा जी, दीदी मेरी लड़की बैठी है, आप उसको हीलिंग दे दीजिए ना, गर्ल संस्कार के लिए, चलिए हीलिंग लीजिए आप सब लोग। बोलिए देवादि देव आदिनाथ भगवान की जय, जय जय। सभी लोग बैठ जाइए शांति से। बेटी को क्या हो रहा है आपके, उसको वही कंज्यूम कर रहा है ना, कंज्यूम की हीलिंग, आप बोले थे ना कि उसको जुड़ा देना सुबह, तो मैंने आज उसको बोला है जुड़ने के लिए। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ, 20 नंबर की हीलिंग हो गई ना। हाँ वो हीलिंग में बैठी तो थी, ले ली ना। हाँ वो बैठी थी, बैठी थी ना, तो आप एक काम करना, 12:30 बजे चंदन लेके बैठना, तो 12:30 बजे में हीलिंग दूंगी। अच्छा, एक बजे अभी ये 20 नंबर की ले ली ना उनने, तो अभी 1 बजे में वो उनको करा दूंगी विधि पूरी। अच्छा, थोड़ा सा चंदन नहीं होगा तो हल्दी घोर के बैठ सकते हैं। अच्छा ठीक है, हाँ 1 बजे करूंगी, अभी तो ये हो गई, अभी बाकी लोगों की हीलिंग कर देते हैं। अजीत जी है हमारे, और एक और कोई था ना, उनकी हीलिंग कर देते है। बोलिए आदिनाथ भगवान की जय, जय जय। सभी लोग अ लिख लेंगे, जिन्हें बुखार है वो पेट पे लिख लीजिए, सर्दी खांसी जिन्हें है वो गले में अ लिख लेंगे, और हाथ पे अ लिख लेंगे, जिन्हें हाथ में प्रॉब्लम हल्दी ले लेना, जिन्हें जहाँ भी लग रहा है परेशानी वहाँ अ लिख लीजिए। और 9 बार सभी लोग बोलेंगे, मैं निरोग हूँ, मैं निरोग हूँ, मैं स्वस्थ 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 हूँ। नमो अरिहंतानं, नमो सिद्धानं, नमो आयरियाणं, नमो अध्यायाणं, नमो लोय सभ्य सावणं। नमो अरिहंतानं, नमो सिद्धानं, नमो आयरियाणं, नमो अध्यायाणं, नमो लोय सभ्य सावणं। नमो अरिहंतानं, नमो सिद्धानं, नमो आर्याणं, नमो अध्यायाणं, नमो लोय सभ्य सावणं। नमो अरिहंतानं, नमो सिद्धानं, नमो आर्याणं, नमो अध्यायाणं, नमो लोय सभ्य सावणं। नमो अरिहंतानं, नमो सिद्धानं, नमो आर्याणं, नमो अध्यायाणं, नमो लोय सभ्य सावणं। नमो अरिहंतानं, नमो सिद्धानं, नमो आर्याणं, नमो अध्यायाणं, नमो लोय सभ्य सावणं। ओम आदिनाथाय नमः, 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 ओम आदिनाथाय नमः। उद्भूत भीषण जलोदर भार मुखना, सुचं दशामुपगता शुत जीविताशा, तत्पाद पंकज रजो मृत देत देहा,
मत्या भवन्ति मकरन् ध्वज तुल्य रूपा। ओम नमो भगवती शुक्लोपद्रव शांतिकारिणी रोग कष्ट जरोपशमनम शांतिं गुरु गुरु स्वाहा। ओम ह्रीं भगवते भय भीषण हराये नमः। ओम ह्रीं अरमणमो अखिल महाणशाण झुं झों नमः स्वाहा। अ 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 मन में चिंतन चलते रहना चाहिए। आपका बुखार ठीक हो रहा है, आपका हाथ का दर्द ठीक हो रहा है, आप हाथ को आराम से फोल्ड कर पा रहे हैं, आपकी उंगलियों की सूजन उतर चुकी है, सारी उंगलियां व्यवस्थित रूप से काम कर रही है, फोल्ड हो रही है, आपको कोई दर्द नहीं हो रहा है, पूरी उंगलियां मुड़ रही है, मुड़ रही है, मुड़ रही है, आपका हाथ दिन प्रतिदिन ठीक होती जा रहा है, ठीक होती जा रहा है, ठीक होती जा रहा है, ठीक होती जा रहा है। अ 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
सुरक्षितोऽहम् ॐ नमः आरोग्योऽहम् परम स्वास्थ्य स्वरूपोऽहम् परम स्वास्थ्य स्वरूपोऽहम् परम स्वास्थ्य स्वरूपोऽहम्। बोलिए आदिनाथ भगवान की जय जय जय। अभी देखिए थोड़ा मोड़ के आप अजीत जी, हो रही अपने आप, एक मिनट अनम्यूट करना पड़ेगा ना आपको। हाँ अभी अनम्यूट कर दी, बोल सकते हो आप। हाँ उठे का ही रहता है थोड़ा सा, ये मुझे है अंगूठे पे और नहीं लिखे थे आपने, अंगूठे पे और लिख दो। अंगूठा क्या है कि ऑटोमेटिकली नहीं उठेगा, ये करना पड़ेगा, ये और लिखिए ना उस पे। हाँ बस अभी हो जाएगा थोड़े देर में। होगा धीरे धीरे, अभी वो स्वेलिंग है ना, थोड़ी स्वेलिंग भी दिख रही है, हो जाएगा। अभी आपको हीलिंग दे रही थी और एक परसों हमारे कोई था, उनके हाथ में बहुत, 5 दिन से वो हाथ नहीं उठा पा रही थी, उन्हें दर्द हो रहा था दी। और आपको मैं हीलिंग दे रही थी तो वो बोले मैंने भी ले ली किचन में काम करते करते, बैठ गई बंद कर दिया, तो मैं दूसरे दिन पोछा लगाने लगी, बोले आप उनको दे रहे थे, मैंने सोचा मैं भी ले लूं, तो पोछा लगाने लगी। बताइए इतना उनका हाथ ठीक हो गया, आपका भी हो जाएगा धीरे से, टाइम लग रहा था, बड़ी है ना। कौन थी वो पता नहीं, उनका नाम ही भूल गई मैं, अनीता गोलचा थी क्या थी, कौन था वो, उनका नाम ही भूल गई, लग रहा भूलते जा रहा है दिन पे दिन। रहे वो बैठते हैं सुबह के सेशन में, कल देखेंगे उनको। एक वीडियो भी बन के आया है, एक वीडियो भी बन के आया है जिनके कमर में बहुत दर्द था जी। जिनके कमर में बहुत दर्द था, बोले 2 महीने ही हुए मुझे बैठने में और मेरे कमर का दर्द चला गया। इसमें दिख नहीं रहा उनका वीडियो, इसमें नहीं दिख रहा है, उनका वीडियो भी कल दिखाऊंगी जी। अच्छा उनका वीडियो भी बन के आया है कमर दर्द का। कितना
हरिनाथ भगवान की जय। अब थोड़ा थोड़ा ऐसे हल्दी और नमक डाल लीजिए पानी में, और ऐसे अंगूठे को भी रख दीजिए थोड़े देर, और उसको बांध लीजिए अंगूठे में। पानी में डालना चाहिए, पानी के लिए मना किया है ना, तो मना किया, फिटकरी बांध सकते हैं ना, फिटकरी, हाँ फिटकरी को चूरा करके बांध दीजिए। वैसे गर्म पानी में अंगूठा डालने से कोई दिक्कत नहीं होती हल्दी नमक के, गर्म पानी में सिकाई करने से, बर्फ की सिकाई कर सकते हो, बर्फ को एक पॉलीथिन में लेके सिकाई करे तुरंत आराम हो जाएगा, या फिटकरी बांध लीजिए, बर्फ को पॉलीथिन में डाल लीजिए, थोड़ा थोड़ा सेकिए तो अंगूठा तुरंत ठीक हो जाएगा। पर सर्दी में खटाई खटाई तो बिल्कुल मत खाइए, खट्टा तो कुछ भी मत खाइए। डॉक्टर लोग तो कहते हैं सब खाओ, लेकिन चावल खटाई हम अपने आप से परहेज करिए तो हमें फास्ट सिकंदरी मिलेगी। दही नींबू थोड़ा खट्टे पे थोड़े दिन 8-15 दिन आप परहेज करिए खट्टा का चावल का, तो जल्दी आपको ठीक होगा। डॉक्टर लोग बोलते जरूर है खाओ खाओ सब खाओ, वो तो मना ही नहीं करते, वो मना नहीं करते, दवाइयां देते हैं ना वो पावरफुल, तो अपन सब चीज पचा लेते हैं, लेकिन अपने को फास्ट रिकवरी चाहिए तो ये चीजों का भी थोड़ा सा खाना पीना कम करना पड़ता है, खटाई और चावल। ठीक है जी, ठीक, बोलिए आदिनाथ भगवान की जय, मंगल करे, मंगलमय मंगल करण, सबका मंगल होए।